एक बार दीदी दिल्ली गई थी, मीडिया में खबर आया केंद्र सरकार हमारे मदद सहयोगिता करछे ना, टाका दिच्छे ना, पैसा दिच्छे ना। उन्होंने आरोप लगाया केंद्र की सरकार सहयोग नहीं कर रही है बंगाल के साथ। तो एक लड़का यंग, यहाँ बहुत सारे भाई हैं, अपने पापा के पास गया, बोला पापा मुझे 220 सीसी का बजाज पल्सर खरीद दो। तो बाप ने कहा भाई क्या बात है 220 सीसी का, तो नहीं मुझे 220 सीसी का 220 ही पल्सर चाहिए। तो बोले बेटा तुमको 220 सीसी का पल्सर खरीदे या 350 का बुलेट खरीदे या 1000 सीसी का हार्ले डेविडसन खरीदे, तुम तो पीछा करोगे 100 सीसी वाले स्कूटी का ही। ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने कहा दीदी आपको 2 करोड़ रुपए मिले या 200 करोड़ रुपए मिले, आप काम करिएगा, हज हाउस बनाइएगा, मदरसा बनाइएगा, टोपी बांटिएगा, बुर्का बांटिएगा, बिरयानी बांटिएगा, फिर पैसे देकर क्या फायदा। आपकी सोच तो वहीं तक है, हर जिले में हज हाउस बन गया लेकिन गंगा सागर में हर साल कम से कम 5 लाख लोग आते हैं पूरे देश दुनिया से। आज तक गंगा सागर भवन बना है सुना है आपने क्या? ये दोगली सरकार, ये दोगली नीति भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, आप हैं, ये सोचने वाली बात है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक नारा चला था, यहाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी वो नारा लगा, हर घर से अफजल निकलेगा तुम कितने अफजल मारोगे। दीदी ने क्या बोला, समर्थन किया, यस है एटा भूल बोले नहीं किंतु एटा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलार अधिकार आछे, सबाई किछु ना किछु बोलते पारे, हाँ एटा कोनो भूल करे नहीं किंतु। उन्होंने नारा लगाया हर घर से अफजल निकलेगा तुम कितने अफजल मारोगे, जादवपुर में भी लगा, जेएनयू में भी लगा। हम बोले बाप रे बाप, ये लोग का प्रोडक्शन बड़ा हाई है, ऐसे भी लोग का प्रोडक्शन हाई रहता है। तो ये नारा कौन लगाया, मुसलमान ना, देशद्रोहियों ने नारा लगाया भारत मुर्दाबाद, हर घर से अफजल निकलेगा तुम कितने अफजल मारोगे, इस देश के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उन लोगों का विरोध मुसलमानों का विरोध है क्या? देशद्रोहियों की विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी और हम हमेशा करते आए हैं, आगे भी करेंगे। तो इन्होंने नारा लगाया हर घर से अफजल निकलेगा तुम कितने अफजल मारोगे। महादेव सौगंध एक ही अफजल निकला था, उसको मोदी ने चूहे की तरह फांसी पे लटका दिया, उसके बाद हमने एक भी अफजल नहीं निकला देखा जो कोई अफजल निकले, लेकिन हमने एक घर से एक योगी निकाल दिया, सबको लेटरिंग शुरू हो गया। ये लोग हर घर से अफजल निकाल रहे थे, हम लोग कुछ नहीं बोले, और हमने एक घर से योगी दे दिया, लखनऊ से लेकर कलकत्ता तक चुलकानी खजुआ बेचैनी, अरे बाप रे बाप, आगे जोगी छिलो मोदी छिलो, अबार जोगी चले इससे की कोच्चे। ऐसा है आप लोग हर घर से रोज अफजल निकालिए, हम लोग माजे माजे 2 साल 3 साल पर मोदी योगी बेबी तिवारी विधायक के रूप में, अशोक सिंह विधायक के रूप में, हम लोग 2-2 3-3 साल पर एक एक पीस निकालेंगे, आप लोग का हिसाब बराबर रहेगा। ये मुसलमानों का विरोध है, भारत मुर्दाबाद। इस भारत देश में जो कोई बोलेगा उसके सामने पहली शत्रु के रूप में कोई खड़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। किसी के मां ने वो लाल नहीं जाना जो बीजेपी वालों के सामने भारत मुर्दाबाद बोल दे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बोलना था बोल दे, कहां गए लोग यूपी में, अब सब लोग बेचैन है कि खाने नहीं दे रहा है। तो हम लोग बोले गर्मी है कम खाइए, खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, देश आजाद है सभी लोग बहुत कुछ खा सकते हैं, हम भी 20 साल